नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 59 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी ने मौजूदा विधायक सुरेश राठौड़ को एक बार फिर से मैदान में उतारा है, लेकिन टिकट मिलते ही उनकी परेशानी बढ़नी भी शुरू हो गई है। कोर्ट ने रेप के आरोपों की फिर से जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। आदेश में कहा गया है कि जांच से ऐसा लगता है कि पीड़िता को धमकाया गया हो। कोर्ट ने इस पूरे मामले में फिर से जांच की 3 महीने में रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि विधायक सुरेश राठौड़ पर महिला ने रेप का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में मामले को समझौते के आधार पर वापस ले लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने जांच कर फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में पेश की थी, जिस पर सीजेएम जस्टिस मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने अंतिम रिपोर्ट निरस्त करते हुए दोबारा जांच के आदेश दे दिए हैं। ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ ने 2021 में अपनी एक महिला समर्थक और उसके पति पर ब्लैकमेल कर रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामले पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद जमानत पर जेल से छूटने के बाद महिला समर्थक ने विधायक सुरेश राठौड़ पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बाद में विधायक का बयान आया कि उन्होंने महिला समर्थक को माफ कर दिया है। महिला समर्थक ने भी अपने आरोप वापस ले लिए थे। इस पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाकर कोर्ट को भेज दी, लेकिन कोर्ट ने पीड़िता के पहले और बाद के बयानों पर विरोधाभास पाते हुए और अंतिम रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद रिपोर्ट निरस्त करते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट 3 महीने के भीतर मांगी गई है। कोर्ट के इस आदेश के बाद विधायक सुरेश राठौड़ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।